यूपी में राम जन्मभूमि को 6 लेन सड़क से जोड़ने के लिए डीपीआर तैयार। लखनऊ से गोरखपुर तक 4000 करोड़ से चौड़ा होगा हाईवे। राम जन्मभूमि को लखनऊ और गोरखपुर से 6 लेन सड़क से जोड़ने के लिए डीपीआर तैयार कर ली गई है। कुल 245 किलोमीटर लंबे इस राष्ट्रीय राजमार्ग को 4000 करोड़ रुपए की लागत से चौड़ा किया जाएगा। जहां हाईवे को कोई दूसरी सड़क क्रॉस कर रही है, उस हर जंक्शन पर अंडरपास या फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद पूरी दुनिया से यहाँ हिंदू श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुमान है। इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ढांचागत सुविधाओं में बढ़ोतरी का फैसला किया है। वर्तमान में लखनऊ अयोध्या गोरखपुर हाईवे 4 लेन है, जिसे 6 लेन किया जाएगा। विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार इस हाईवे को चौड़ा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में लैंड उपलब्ध है। उपलब्ध भूमि की चौड़ाई 45 से 60 मीटर तक है, इसलिए कहीं भी सड़क को 6 लेन करने के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी। अलबत्ता टोल प्लाजा और ट्रकों को खड़ा करने के लिए 20 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित करनी पड़ेगी। पर पूरे हाईवे पर करीब 45 स्थान ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां इस हाईवे को कोई ना कोई सड़क क्रॉस कर रही है। ये जंक्शन पॉइंट हादसे के लिहाज से ब्लैक स्पॉट माने जाते हैं। इन सभी स्थानों पर अंडरपास या फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। NHAI के अधिकारियों का ये कहना है कि इस DPR को NHAI मुख्यालय भेजा जा रहा है, वहीं से स्वीकृति मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।